मसूरी। तो भाई मसूरी आ चुके भाई अपनी भाई। और मीट माय फ्रेंड राम जाने राम। मतलब डेली जो करूंगा वही डाल दूंगा भाई, दो दिन के भरोसे नहीं बैठूंगा उसके। यार ये लोग आ चुके हैं एकदम लेट, नदीम सारे के सारे एकदम। ये गलत रास्ता है। यार ऑलमोस्ट भाई गड़गंगा पहुंच चुके हैं, बाकी आगे से ना फ्लाईओवर के बस नीचे से लेना है भाई। हेयर स्टाइल तो तुम्हारा बहुत बढ़िया लग रहा है यार, वो वीडियो बनाना भाई। चलिए फटाफट डुबकी लगाओ, वीडियो बनाओ भाई। सर हम लोग भाई अभी भाई रुके हैं यहाँ पे क्योंकि नितिन और को निकलना भाई यहाँ से, इसके नीचे से। तो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर डे अनदर ब्लॉग। बाकी कल का जिन लोगों ने ब्लॉग देखा था उनको बताओ आज मैं कहाँ जा रहा हूँ। आज मैं जा रहा हूँ भाई गड़गंगा। तो अभी का भाई टाइम हो रहा है सुबह के 4:30 बजे अप्रॉक्स, ठीक है। 4:30 से 2-4 मिनट आगे भी हो सकते, पीछे भी हो सकते, एग्जैक्ट टाइम नहीं देगा। बाकी अभी चाय बना लिए, बस चाय पीते हैं। और सब लोग उठ चुके हैं, ठीक है। अमित जी भी उठ गए, हमारे साथ जा रहे हैं अमित जी, मेरठ से आ रहे हैं नितिन, निशु और नीतीश, तो वो सब आ रहे हैं। तो वो वहाँ से निकलेंगे, हम आपको हापुड़ में मिलेंगे वो लोग। और बाकी हम दोनों यहाँ से निकलते हैं। अभी अमित जी से बात हो गई भाई, वो भी बस रेडी हो चुके हैं, वो भी निकल जाएंगे 5-7 मिनट में। हम लोग मिलेंगे क्रॉसिंग पे, तो बस यहाँ से बस निकलते हैं। और भाई वहाँ पे आके भाई अपन लोगों ने उठाना भाई, जल लेके आएंगे और अपने आस पास में जहाँ भी शिवलिंग चढ़ाना होगा वहाँ पर चढ़ाएंगे। तो बाकी यार ये था छोटा मोटा, मतलब राइड करनी थी हमारे को। तो राइड का बस प्लान क्या हमारे को, मेरा मन भी था बहुत टाइम से कि भाई बाइक से बजा के भाई जल जोर लेकर आओ। हरिद्वार वाले साइड भाई बहुत ज़्यादा बिजी है, ठीक है। वहाँ पे ना इस टाइम पे आना ना बहुत मुश्किल है। गढ़ वाला ठीक है, तो यहाँ से भी लोग लेके जाते हैं जल, यहाँ से भी मतलब बहुत सारे लोग जल लेके जाते हैं, जो इधर नैनीताल साइड इधर साइड जो हो गए ना, इधर साइड जितने भी गाँव पड़ते हैं नैनीताल वाली लेन पे, तो वहाँ से जल लेके आते हैं। हम भी यहीं से लेके आते हैं। और फिर भाई अब बस राइड पर चलते सीधा सीधा और भाई दिखाते हैं बाकी जो भी करते हैं। सर एक पंगा अभी और रखा है क्योंकि ना मेरठ अभी कॉल करी थी, तो वो बोल रहे हैं भाई वहाँ पे तो बारिश हो रही है, तो रेनकोट वेनकोट यहाँ से लेके जाते हैं। बाकी कपड़े वगैरह एक बैग में रख लिए क्योंकि वहाँ पे भाई गंगा जा रहे हैं, तो भाई वहाँ पे नहाएंगे भी। तो अपना सामान वगैरह रख लिए सारा बैग में, बस टावल लेना है, बस टावल वहाँ पे खरीद लेंगे क्योंकि फिर टावल ना वहाँ पे बहुत ही गंदा हो जाता है, क्योंकि एक से भाई सब लोग ही पूछेंगे, मेरे को पता है वो भी नहीं ले जाएंगे, तो वहीं से ले लेंगे, वहाँ पर सस्ता अंदर मिल जाता है, वो जो नॉर्मल कॉटन वाला होता है वो ले लेंगे। और फिर उस सबसे निकलेंगे, बस रेनकोट भी डालता हूँ भाई बैग में। ये टी शर्ट किसकी आ गई, रेनकोट रखते हैं और अभी तो फिलहाल रख के लेके जा रहा हूँ, जैसे बीच में बारिश लगी तो पहन लेंगे। और एक दो पन्नियाँ और रखता हूँ अभी, ताकि फ़ोन वगैरह अपन लोग रख सके ईजीली। तो यार मंदिर के भी दर्शन कर लिए अपने, मंदिर में भाई पूजा कर ली, बाकी जल लेके आते हैं और फिर भाई जल चढ़ाएंगे अपने बाबा पे। बाकी अमित जी मेरे को मिलेंगे क्रॉसिंग पे, तो क्रॉसिंग यहाँ से पहुँचते हैं, 2 मिनट का रास्ता है क्रॉसिंग का, तो यहाँ से बस। और फ्यूल अप भी करवा लेंगे वहीं पे, ताकि भाई पैसे ज़रूरत तो नहीं है लेकिन स्टिल भाई करवा लेते हैं, क्योंकि अप्रॉक्स 200 किलोमीटर चलेगी बाइक। 200 किलोमीटर का मतलब है कि 200 किलोमीटर हमें आपको आने आना करना है। बाकी फ्यूल रेंज भी भाई देख दिखा देता हूँ, फ्यूल रेंज 110 दिखा रही है भाई, डलवा लेते हैं। सो अभी यार देखो बिल्कुल रात हो रही है और HJG की लाइट ना वाक्य है भाई, है तो ज़बरदस्त, क्योंकि अभी मैं उसका ना थ्रो दिखाता हूँ कि भाई क्या है। ये अभी हम पहुंच गए भाई क्रॉसिंग में, अभी ये तो अभी मैंने खाली अपनी लो बीम जला रखी है, हाई बीम मेरी ये है और भाई सिस्टम तो भाई ये है। ये लाइट वाकई में भाई सिस्टम ही है भाई, ख़तरनाक वाला भाई, बेहतरीन जलती है, मज़ेदार। यहाँ पे हमारी गौ माता बैठी हुई हैं, आराम कर रही हैं भाई, जय हो गौ माता। सर पेट्रोल भी भाई डलवा लिया। बाकी अब अमित जी का वेट करते हैं, अमित जी भाई ABS वाले चौपले पे खड़े मिलेंगे।
हो सकता है वो पहले ही आ गया हो, क्योंकि भाई उसने मुझे फ़ोन, जब मैंने जब उससे फ़ोन करा था तो वो बोल रहा था कि भाई मैं नीचे ही खड़ा हूँ, निकल रहा हूँ। तो लेट्स सी कौन पहले पहुँचता है। वैसे तो पहले हमेशा मैं ही पहुँचता हूँ, आज भी मैं ही पहुँचूँगा, बाकी देखते हैं। सब बढ़िया भाई, ये तो खुलना चाहिए था, अच्छा है। कांवड़ियों को ना थोड़ा कम रास्ता तय करना पड़ेगा इसके चक्कर में। नहीं करना तो ज़्यादा पड़ेगा, ज़्यादा बढ़ना पड़ेगा, खुला खुले में। हाँ खुले में वो जीसा लगे, जीसा लग जाएगा है ना। हाँ चलो, जय बोलेगी, हर हर महादेव। तो भाई अमित जी माँ को मिल गए, अब हम यहाँ से निकलते हैं। जय बोले। अब भाई पूरा बस हाईवे हाईवे पकड़ते हुए अपना भाई निकलेंगे। अमित जी की तबीयत भी ख़राब हो रही है, लेकिन अमित जी ने मुझे बताया नहीं यार, वरना भाई मैं इसको एक बाइक पे लेके आता यार। बाइकिंग की ना मतलब एक फीलिंग ही अलग है यार, सच्ची में यार। भाई जैसे ही मतलब एक होता है ना कि अपने साथ राइडर्स चल रहे हैं, और भाई आप भी मतलब बिल्कुल एकदम भाई ज़बरदस्त तरीके से बाइक वाइक तैयार करके आ रखे हो, तो भाई एक फीलिंग ही अलग आती है भाई, सच्ची में। बाकी अगर अभी अगर राइडिंग जैकेट पहनी हुई होती ना, तो भाई ये लेवल अभी अगर 100% है ना, तो भाई 200% हो जाता, तो और मज़ा आ जाता भाई। अभी भाई बहुत बढ़िया, बहुत स्मूथ चल रही है। अमित जी साथ साथ ही चल रहे हैं बिल्कुल। जितने मेरे दिन निकलेंगे उनको टाइम लगेगा आज, मुझे पता है उनको, वो थोड़े लेट ही पहुँचेंगे। बाकी अपन लोग भाई हापुर तक पहुँचते हैं, दापम दाप खींचते हुए अपना। यहाँ से अप्रॉक्स है 80 किलोमीटर्स, तो 80 आना जाना, मतलब वही 5-7 किलोमीटर एक्स्ट्रा भी चलेगी, तो वही मान के चलो कि अप्रॉक्स 200 किलोमीटर चली जाएगी अगर बाइक मतलब चली तो। बाकी देखते हैं जैसा भी होता है भाई। अमित जी, भाई अमित जी ने ना मतलब ये बाइक ना मतलब मेंटेन तो कर रखी है अच्छी, टूट फूट तो जाती है लेकिन एक्सीडेंट से कभी, लेकिन अमित जी ने भाई मेंटेन अच्छी कर रखी है भाई, अच्छी लगती है जिक्सर ना, जिक्सर इज़ अ गुड बाइक। तो यार जो ये जो सीधा रास्ता जो जा रहा है ना भाई, ये जा रहा है मेरठ एक्सप्रेसवे के लिए, और हमारे को लेते हुए जाना भाई ये नीचे वाला, क्योंकि हमको जाना है भाई गढ़गंगा। बाकी यहाँ पे भाई पुलिस वाली चेकिंग कर रहे हैं भाई, और यहाँ पे चढ़ने नहीं दे रहे भाई गाड़ियों को, आई डोंट नो व्हाई, बट जो भी है भाई बढ़िया है। और यहाँ पे बाइक वाले भाई यहीं खड़े हैं भाई आज, तो इसका मतलब भाई सिस्टम चल रहा है भाई कावड़ियों का। मसूरी तो भाई मसूरी आ चुके भाई अपनी, भाई बस यूँ मुड़ना मसूरी के अंदर सीधा। भाई ये दूसरी मसूरी है भाई, वो वाली मसूरी नहीं है। ये दूसरी मसूरी है, एक ये मसूरी है, एक मेरे गांव के पास पड़ती है भाई जोली के पास भाई, एक वो मसूरी है। तो भाई ये दो, ये तीन मसूरी ना बहुत अलग अलग है भाई, वो वाली बहुत अलग है भाई, वो तो भाई दिल को बहुत प्यारी है। मसूरी एक ऐसा ही चीज़ है भाई जो दिल को बहुत ज़्यादा प्यारा है भाई, सच्ची मतलब जितनी बार जाता हूँ ना, एक वैसा वैसे ही फीलिंग आती है भाई, एक अपने घर वाली। मसूरी बहुत ज़्यादा प्यार है भाई, मसूरी तो मतलब फेवरेट है एक तरीके से ना मेरा, हिल स्टेशन में मसूरी टॉप पे है। बाकी भाई उसके बाद ही आते सब कुछ यार। तो यार यहाँ से हमारा पहला टोल आता है ये, और यहाँ से हमारे कटना इसके बीच में से भाई, ये बंदा ओ माय गॉड, हल्का हल्का टच बिल्कुल बगल से निकल गया भाई, दिस इज कॉल्ड परफेक्शन। और आज हम बाइक से हैं तो भाई नो टोल, सो दिस इज़ वेरी गुड, और एक अच्छी फीलिंग आती है भाई। बाकी तीन तीन जने भाई पीछे लेटे हैं, दो जो सोए हुए थे भाई दिखे ही नहीं बिल्कुल भी भाई। फोटो खींचनी है क्या? वो तो आराम से आएंगे। हाँ यही लगा लो, यही यही लगा लो, ऐसे इधर लगाओ। अरे तो अपन थोड़ी सी फोटो वोटो खींचते हैं, इधर को लगाओ अमित जी ऐसे। थोड़ा सा पीछे क्यों, इधर साइड लगाओ, इधर साइड ये लगा लो, लगा लो, यहीं लगा, बस यहीं छोड़ दो। तो यार हम लोग अभी पहुंच चुके हैं भाई टोल के आसपास, और नितिन वितिन अभी लेट आएंगे ना, तो इस वजह से भाई हम लोग भाई थोड़ा सा रुक गए हैं। और मीट माय फ्रेंड राम जाने।
मैंने मुझे बोला रामजा ने कह रहा अबे ये क्या चीज़ अब नहीं, मैंने कहा भाई ये चीज़ नहीं है, नई नहीं है, बहुत पुरानी है, तुमने मेरे को लगा सुनी वो नहीं गाने नहीं सुना तुम्हें, कहते हैं लोग मुझे रामजे ने वो ऐसी तो पट्टी वाली रखते थे, मैंने देखा नहीं, मेरी तो तबीयत खराब है, विक्स लगा रखे इसलिए लगाया। तो भाई अमित जी की तबीयत खराब है तो अमित जी के लिए भाई थोड़े सिंपैथी वाले मैसेज भेजो, कमेंट में लिखो क्या लिख रहा है, सिंपैथी मत भेजो, दो वो भेज दो पैरासीटामोल, दो अमित जी को पैरासीटामोल चाहिए भाई, जो भी सब्सक्राइबर देगा ना अमित जी उसके घर जाके चाय पी के आएंगे पैरासीटामोल के साथ। बाकी भाई ये टोल पहला पड़ता है, ये वैसे रास्ता जो है ना ये नैनीताल वाला रास्ता है, इधर से नैनीताल वगैरह निकलता है, नैनीताल और जिम कॉर्बेट यहीं से निकलता है। बाकी अपन लोग भाई यहाँ पे रुके हुए हैं अभी भाई, मस्ती मजाक थोड़ी सी कर रहे हैं, वो लोग भाई अभी तक निकले नहीं थे ना तो इस वजह से हम लोगों ने भाई स्टॉप ले लिया, मैंने कहा कि भाई आराम से आएंगे रेलवे बना के तो बनाते हुए और फोटो वोटो खींचते हुए। सर मेरठ में पता नहीं है कैसे बारिश पड़ रही है, बाकी इधर साइड तो बारिश का भाई कोई सीन अभी लग नहीं रहा है, बादल तो हैं लेकिन भाई यहाँ पे तो पूरा भाई सूखा सूखा पड़ा हुआ है, बाकी उनको बारिश मिल ही नहीं होगी मेरे हिसाब से तो रास्ते में। बाकी हापुड़ यहाँ से अराउंड 7 किलोमीटर रह रखा है, शायद 10-15 मिनट और लगेंगे और वो लोग मिल जाएंगे। बाकी अमित जी की तबीयत ख़राब है भाई, थोड़ा सा ना अजीब सा लग रहा है मेरे को कि यार भाई बंदा तबीयत ख़राब में आ गया, लेकिन कोई बात नहीं है, ये सब चीज़ें भाई मोटिवेट करती हैं क्या, थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब है भाई, जो प्लान है ना वो भाई करो, बाकी बढ़िया भाई। हमारे तो भाई जो टीचर स्पोर्ट्स टीचर था ना वो भाई ऐसे ही करता था, स्पोर्ट्स टीचर क्या हम लोग ऐसे करते थे कि भाई बुखार होता था ना भाई खेलने पहुंच जाते थे उससे भाई बुखार उतर जाता था, पूरा पसीने निकल जाते थे, बुखार अपना ऑटोमेटिकली अपने उतर जाता था, तो भाई वो एक सही चीज़ है। बाकी घर में पड़े रहोगे ना भाई तो और बीमार पड़ते चले जाओगे, बाकी ये यहाँ से ना रास्ता अच्छा शुरू हो जाता है, खेतों वाला बढ़िया रास्ता भाई यहाँ से बहुत अच्छा मतलब लगता है, और क्या यार व्यू के मज़े लो। बाकी आज का ब्लॉग ना थोड़ा लंबा आएगा भाई, हो सकता है 20 मिनट का है, हो सकता है 25 मिनट का है, हो सकता है भाई 30 मिनट का भी है, लेकिन मैं डेली ब्लॉग कर रहा ना तो डेली ब्लॉग मतलब डेली जो करूँगा वही डाल दूँगा भाई, 2 दिन के भरोसे नहीं बैठूँगा, उसके चक्कर में ना बिल्कुल सीक्वेंस ख़राब हो जाता है, तो इस वजह से भाई आज का ब्लॉग पूरा जो जितना भी होगा वो आज ही आएगा। चल भाई आगे भाई कावड़ियों का भाई काफिला जा रहा है, अपन लोग भी वहाँ से रेडी होके आएंगे ना तो ऐसे ही आएंगे, तो भाई देखो भाई कितना ज़बरदस्त लगता है भाई, झंडा लगा हुआ ऑरेंज टी शर्ट है भाई, मज़ेदार एकदम। बाकी यार ये भी गड़गंगा जा रहे हैं बंदे, गड़गंगा जा रहे हैं जाने हरिद्वार से आ रहे हैं, बाकी पता नहीं भाई, लेकिन भाई बंदों का ना भाई ये देखो भाई सिस्टम ये गजब लगता भाई। बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया, ये वाला रूट ना भाई काफ़ी बढ़िया बन गया, पहले ऐसा नहीं था, पहले भाई ये वाली जो सड़क थी ना ये थोड़ी छोटी थी और भाई मतलब ना ये यहाँ से ना ये रास्ता थोड़ा सा ना हल्का सा बीच में ख़राब हो जाता था, लेकिन भाई अब तो भाई बहुत बढ़िया बन गया है और यार बढ़िया मज़ा आ रहा है, बिल्कुल ज़बरदस्त भाई लॉन्ग राइड वाली फीलिंग आ रही है, बस राइडिंग जैकेट नहीं है और अपना लॉन्ग राइड नहीं है, लॉन्ग राइड मतलब है तो 200 किलोमीटर यार, लोगों के लिए भाई ये भी बहुत लॉन्ग होता है लेकिन अपने लिए भाई ये शॉर्ट है, बाकी धीरे धीरे चल रहे हैं आगे पहुँचेंगे, भी आँख में कुछ गिर गया आगे आके भाई थोड़ा सा पानी वानी मारेंगे और भाई निकालते हैं आँख में क्या गिरा है, खुजली सी हो रही है आँख में, बाकी मज़ा बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। और भाई इंस्टाग्राम पे भाई रील डालते हैं भाई देखा करो, वैसे तो बढ़िया देख लेते हैं लोग जो बढ़िया रील डालता हूँ मैं, फॉलो भी कर सकते हो भाई अगर मन करे तो, अगर अच्छा कंटेंट लगे तो। सर यहाँ पर अभी रिसेंटली भाई बारिश पड़ी है और गीला गीला हो रखा है भाई, तो हो सकता माइट भी आ गया हम आपको बारिश मिले, बाकी कुछ नहीं पता भी भाई क्या सिस्टम बैठेगा, बाकी चल रहा है भाई धीरे धीरे, मज़ा बहुत आ रहा है लेकिन यार राइड में ना मतलब ठंडा मौसम हो रखा है अच्छा खासा, मतलब रिलैक्स वाला जो मौसम होता है ना वो ना सर्दी ना गर्मी, तो ऐसा मौसम हो रखा है तो भाई बड़ा मज़ा आ रहा है। बाकी ये झिलमिल ढाबा और ये शिव ढाबा है ना भाई, ये ऐसा है आप कहीं भी चले जाओ भाई इधर नॉर्थ साइड तो ना आपको मिलेगा ही मिलेगा झिलमिल और ये शिव ढाबा, तो भाई तो
ये तो भाई बहुत बहुत चेन है भाई इनकी, बहुत ज़्यादा। सो भाई अपन दोनों ना, मतलब हम दोनों भाई गेम में इतने आगे निकल चुके हैं ना कि भाई वो उन लोगों को ना अभी लगेगा 21 मिनट, हम रास्ता ना पहचान ही नहीं पाया आज हम। अब भाई आँख में पता नहीं क्या गिर गया, तो भाई इस आँख को ना अवॉइड करके देखो, ऐसे करके देखो मेरे को। तो उनसे ना आते अभी पूछेंगे भाई तुम्हारा सिस्टम विस्टम नहीं चल रहा क्या। और बाकी यहाँ पे ना भाई बोर्ड लगा गढ़ मुक्ति से 11 किलोमीटर गढ़ी आ गए, हम गढ़ ही आ गए भाई ऑलमोस्ट भाई 11 किलोमीटर यहाँ से 11 मिनट और लगने हैं। क्यों कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट लग जाएंगे ऐसा था। तो भाई उन दोनों का वेट कर रहे हैं, 2 क्या 3 है वो, लेकिन यार वो भाई हम इधर रुक भी जाते ना तो भी वो लेट ही होते। मेरे वालों का नाम बदनाम कर रहा है। यार ये लोग आ चुके हैं एकदम लेट, लतीफ सारे के सारे एकदम खले। ये गलत रास्ता है, एक काम करना तुम ना जाते हुए ना उसी रास्ते से जाना, ठीक है? और तुम्हारे को पता चलेगा वहाँ से कितना टाइम लग रहा है, यहाँ से कितना टाइम लग रहा है। गूगल मैप पे भी देखोगे ना तो ये वाला रास्ता किलोमीटर में तो ज्यादा है, लेकिन भाई रास्ता कम है वाला, मतलब किलोमीटर ज्यादा रास्ता कम नहीं है, समय कम लग रहा है। किलोमीटर ज्यादा है लेकिन समय कम है। ऐसा ऐसा नजारा मिलेगा तुझे गीली गीली सड़के। तुम कैसे हो ये बताओ, तुम तो 55 किलोमीटर बाइक चल चुकी है अभी गड्ढे में। ये तो बंदी को लेके आ रहे थे। अरे बंदी ने उठाया फोन करके, बंदी ने फोन करके उठाया अपना। अरे यार गलत बात है अमित जी, अमित जी तो तुम पीठ पीछे कह रहे थे तुम गाली बकोला वाली गाली कर दी। इंजन की लाइट आ रही है, एक काम का इंजन यहीं पे छोड़ दे, तुम्हारी भी इंजन की लाइट आ रही है। तुम दोनों इंजन 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 चेंज करो भाई इसका। ये जैकेट पैकेट क्यों पहनी आ रही है? सारी सारी तब भी आ रही है, अब नहीं आ रही, अभी आ रही। तुम सोतीगंज से तो नहीं कर रहे मेरठ वाले? नहीं यार। वहाँ से तो भाई इंजन लाइट आ ली है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ सामान तो निकालेगा तेरा, गरारी पराने ने निकाल ली। शहजाद भाई अभी जी तो वो गाली तो बको जो तुम बक रहे थे कितनी लेट हो गए, अभी नहीं मुँह पे नहीं बकता है मैं, पीठ पीछे पीठ पीछे भौंके पर साहब हमसे डरते हैं। चले बाकी इनको वैसे लगा था कि यही गढ़ गंगा यहीं पे नहा लेना चाहिए, अगर नहाना तो भाई नहा लो, हम तो आगे जा रहे हैं। बहुत तेज पड़ी है, बच गए हम। क्या हमारे तो बहुत तेज है तुम्हें भाई। चलो यार चलो भाई चलो। चल बाकी राइडर्स भी आ चुके हैं, बाकी आज नीतीश की फर्स्ट राइड है हमारे साथ खुद चलाते हुए, बाकी देखते हैं यार कैसा सिस्टम रहता है। आज सिस्टम ही सिस्टम निकल रहा है भाई, जब से भाई बिग बॉस महल भी ज़्यादा पहुँचा है तब से सिस्टम ही सिस्टम निकल रहा है। तो आज भी भाई बारिश वाला मौसम हो गया भाई, गढ़ गंगा पे ना बारिश हो रही है भाई, बढ़िया। बाकी धीरे धीरे चल रहे हैं, अपना भाई नितिन वितिन भी आ गए, और ये वाला जो पैच होता है इस पर भी मैं चल रहा हूँ, ये जिगजैग वाला भाई बहुत खतरनाक होता है, बाइक ना डिसबैलेंस हो जाती है। बाकी धीरे धीरे लेंस को भी मैं पूछता चल रहा हूँ कि आप लोगों को व्यू बढ़िया दिखाई दे। और आज का ब्लॉग है ना थोड़ा लंबा आने वाला है भाई, क्योंकि अभी तो जाते आते मेरे को लग रहा है पूरा ब्लॉग बन चुका होगा, जो जैसे मैं डेली बेसिस पर डालता हूँ, लेकिन स्टिल मैं एक ही डालूंगा तब भी। ओ भाई ऐसे ब्रेक ना मारे और एक दो इधर उधर ना काटे भाई वीरे, ये मज़े होते हैं भाई कावड़ के भाई, फुल एंजॉय चल रहा है भाई, फुल एंजॉय भाई, बहुत ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है। बाकी गढ़गंगा बस आने वाला है, बाकी यार फ्लो बहुत तगड़ा हो रखा है तो बहुत देख के नहाएंगे, और भाई कोई मस्ती मजाक नहीं है, पानी और आग से भाई कोई मस्ती मजाक नहीं करना चाहिए। बस यहाँ से बस टोल क्रॉस करना है, टोल यहाँ पे भाई बहुत दिमाग से लगाया गया है, क्योंकि गढ़गंगा अधिकतर लोग आते हैं ना तो टोल भाई देख के तभी जाओ भाई टोल,
उधर आगे सर ऑलमोस्ट भाई गढ़गंगा पहुंच चुके हैं। बाकी आगे से ना फ्लाईओवर के बस नीचे से लेना है और हम बस घाट के पास पहुंच जाएंगे। बाकी बढ़िया भाई, मज़ा आया राइड करके। और भाई कावड़ के लिए ना भाई बेहतरीन मज़ा आया। कावड़ियों का ना भाई बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से मेंटेन कर रखा है। बाकी अभी जाके भाई अपन लोग भी नहाएंगे और फिर भाई हम भी जल लेंगे और पहुँचेंगे भाई अपने घर के लिए। बाकी मौसम ना बाबा सावन में इतना बढ़िया कर देते हैं कावड़ियों के लिए, एक नंबर भाई, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। बाकी यहाँ पे तो हर जगह ही भाई इतना पानी भरा हुआ है और ज़बरदस्त डीजे लगे हुए भाई। तो पहुँचते उधर और फिर भाई दिखाते हैं। सर हम लोग भाई पहुँच गए भाई गढ़गंगा और भाई बहुत तगड़ी भीड़ यहाँ पे, सबके सब भाई पे स्टेटस लगा रहे भाई, टैग मार देते ताकि मुझे मेहनत करनी पड़े। और अमित जी ने भाई यहाँ पे अभी एक गंदा कांड करा, अमित जी ने भाई नीचू को अड़का दिया भाई यहाँ पे आके भाई, इतना बुरा लगा। कैसा लगा अमित जी से बात करके? तो भाई यार डुबकी उबकी मार लिया अपने लोगों ने और अब हम जाएंगे भाई दीवा चढ़ाने के लिए। और ये लोग बोल रहे थे कैमरा ले गया, मजा नहीं आ रहा भाई, बाल तो ठीक कर ले, सामान की रखा रहा हूँ मैं भाई। इनका यूट्यूब चैनल है एमी ट्रिपर, एमी ट्रिपर और क्या। और भाई ये है द यूके पंदर राइडर, और यूके पंदर राइडर क्या यूपी पंदर राइडर पंदर, तुम अपने नाम बताओ भाई। अमित जी तुम अपनी टी शर्ट उतार के दिखाओ जनता को अपनी बॉडी यार, अभी दिखा तो यार अभी नहा रहे। बाकी यार बहुत बढ़िया मंजर हो रखा है, अभी मंजर बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया भाई। वो हेयर स्टाइल तो तुम्हें बहुत बढ़िया लग रहा है यार, वो वीडियो बना रहे भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसका पेफड़ फाड़ दे साइड में से मछली भी तो भाई। तर अब हम लोग भाई जा रहे हैं भाई दियो बत्ती, तो पागल हो गए क्या? भाई ऐसा मत करना कि फोन ही गिरवा दूं। भाई हम नहीं करेंगे, तुम आराम से चलो। लड्डू तेरा कच्चा तो बहुत अच्छा आ रहा है, कोजी काफी कोजी लग रहा है मुझे। जय हो जय हो भैया। भाई ये देखो ये बिना गमछे के, ये तो देखो ऐसा ऐसा लग रहा है ये घर से लेकर आया है भाई, देखो सही से लेकर आया क्या फियरलेस अभी मैं कोई माता नहीं का चीज छपा हुआ इससे भाई। मैं तो भाई बिल्कुल रेडी हो चुका हूं, बिल्कुल एकदम उसमें घर से लेकर आया है। अबे तो और कहां से लेके आऊं मैं, बंदी के घर से लेके आऊं क्या गमछा? अमित जी यार तूने बहुत गलत किया,
और भाई एक बंदे से मिलाने चाहता हूँ, वो भाई किंग का इतना दीवाना है ना भाई, बहुत ज्यादा दीवाना है। इतना भाई भाई एग्जॉट लिया जरा, तिलक लगवाएंगे अभी हम। यार कोई भी लड़का भाई ठीक नहीं इनमें से भाई, ये देखो बिल्कुल बिना तैयारी के आए हैं। और ये देखो किंग का दीवाना, टी शर्ट पे भी किंग लिखा हुआ है इसके। और ये बंदा पता है किसके दिया, इसकी एक चीज अगर मैं दिखा देता ना आज, ये भी मेरा ही है भाई। भाई इसकी अगर वो चीज अगर हम दिखा देते जनता पहन के चलोगे, सब सब्सक्राइब कर देते भाई। सही बात है भाई, सही बात। चलो चलो यार चलते भाई, इनको भी थोड़े कपड़े देना। राहुल भाई जरा थोड़ा सा मान दो इन दोनों को, ये दोनों बहुत निराश है। तो यार भाई वहां से निकल गए और अब भाई आगे के लिए चलते हैं। अरे थोड़ी सी ना कंफ्यूजन हो रही जल को लेके कि भाई किस टाइम है। बाकी हमने रात को जो पढ़ा था कि भाई वो तो 8:30 बजे दिखा रहा था सुबह के। बाकी अब भाई यहाँ से निकल गए हैं, भाई देखते हैं घर जाके कि क्या सिस्टम है। हाँ आगे आगे बहुत सारे हैं, तो अभी एक झंडा खरीदना नितिन को, तो झंडा लेते हैं पहले। तो भाई यहाँ से भाई हम लोगों ने लिया भाई बजरंग बली का बड़ा वाला झंडा, तो ये नितिन अपने घर लेके जाएगा। अब आ गया ना मज़ा। जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव। चलो जय हो, जय बजरंग बली जी। जय हो बोले। भाई साहब बहुत बढ़िया चल रहा है भाई साहब किताब ना, मतलब मज़ेदार भाई यार, एक से एक बढ़कर चीज़ देखने को मिल रही है। और बाकी भाई यार ये देखो भाई, हाँ मैं बनाता हूँ, मेरे को दे। तैयार बाकी बस यार यहाँ सब निकल गए और भाई आराम आराम चल रहे हैं। बाकी नितिन ने भाई झंडा बांध रखा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा। झंडा बांध नहीं रखा उसने, मतलब झंडा पकड़ रखा, बहुत बड़ा झंडा लिया है भाई, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। अभी दिखाता हूँ जो झंडा उसका ना, बहुत बढ़िया भाई। ये देखो झंडा देखो भाई कितना ज़बरदस्त लग रहा है। हम सब ने बांटे हुए हैं भाई ये भगवा वाले फटके, और अमित जी ने श्री राम जी का लिया है भाई, बहुत बड़े लग रहे हैं दोनों, मज़ेदार। सर मैं इस रूट पे सोच रहा था कि यार कम कावड़ होंगी, लेकिन यार इस रूट पे भी भाई बहुत कावड़ है, बहुत बहुत बहुत। उस रूट पे तो हैं, मतलब उस रूट पे तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पे भी भाई बहुत हैं। पूरा रास्ता भाई चल ही रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कहीं से खाली गुली हो। तो पूरी एक लेन भाई पूरी कावड़ियों के लेकर रखी है, बाइक इधर से जा सकती है तो एक गाड़ियाँ उधर से जाएंगी सारी की सारी। तो बहुत ज़बरदस्त हो रखा है सब चीज़ें। बाकी भाई आज मौसम ना भाई इतना बढ़िया है ना, इतना बढ़िया, बिल्कुल भी भाई महसूस नहीं हो रहा कि मतलब ना राइड कर भी रहे हैं, बिल्कुल मतलब आराम आराम से भी चल रहे हैं, बिल्कुल कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और भाई बिल्कुल एकदम ना ज़बरदस्त वाली फीलिंग आ रही है। और अभी भाई यहाँ से अराउंड है हमारा 20 किलोमीटर अप्रॉक्स हमने क्लॉक कर दिया है, तो 60 किलोमीटर अभी हमारा घर है यहाँ से। और बीच में भाई नितिन भी एक जगह पर टर्न हो जाएंगे, तो बाकी देखते हैं यार कहाँ पे टर्न लेंगे,
जहाँ पे भी लेंगे उससे पहले अपन लोग रोक लेंगे और बाकी देखते हैं क्या होता है। सर यहाँ से कोई रूट हमारा डाइवर्ट करा है नीचे के लिए। ओके फ्लावर का कुछ और सीन हो रखा होगा, शायद से कुछ ख़राब वराब रखा था इस वजह से सबको नीचे डाइवर्ट कर दिया। यहाँ से भाई चल रहा हूँ उधर की साइड और आगे जाके भाई एक जगह कहीं रुकेंगे थोड़ी बहुत भाई फ़ोटोज़ लेते हैं। फ़ोटोज़ हमने ली नहीं भाई बिल्कुल भी आज, तो फ़ोटोज़ लेते हैं उसके बाद ही भाई नितिन अपना इधर की साइड निकल जाएगा मेरठ के लिए और हम लोग भाई आगे निकल जाएंगे। सर हमारे को अब इंटरनल जाना पड़ रहा है, हाईवे से काट दिया है, कावड़ के लिए ना थोड़ी अलग रोड निकाल दी है। बाकी अभी जाके मिलेगा तो वैसे हाईवे पे उधर, लेकिन थोड़ा सा अंदर से रास्ता काटा है और चल रहे हैं भाई मज़े मज़े में। अभी तो अमित जी को तो अभी दोबारा भी भाई वापसी आना है क्योंकि इनके कुछ घर का कुछ कावड़ वावड़ का होता है तो ये गाँव दोबारा वापसी आएंगे। तो इनका गाँव एक्चुअल में यहीं पर है, गढ़गंगा के बराबर में है, तो ये भी जाके फिर अपनी गाड़ी वाड़ी से दोबारा से आएंगे। बहस होती है भाई बहुत तगड़ी, खूब डीजे लगे हुए हैं। कावड़ियों का भाई जोश भाई बहुत तगड़ा होता है यार, बहुत ज़्यादा तगड़ा भाई। शायद डाक कावड़ भाई यही होती है। भाई जल नहीं रुकता, भागते रहते हैं भाई, बहुत ज़बरदस्त तरीके चलते भाई। और पीछे भाई वो भी चल रही थी तो इनको भाई बहुत जगह दी जाती है, तो इनसे भाई बच बुचा के भाई आगे निकल लो क्योंकि ये लोग ना थोड़ा सा मतलब फास्ट रहते हैं तो इनको थोड़ी जगह देनी सही रहती है। सर डीजे भाई इतने खतरनाक लगे हुए ना, पास आते ना भाई पूरी बाइक हिल जाती है, इतने तगड़े तगड़े डीजे। और पता है इनका कंपटीशन होता है तो जैसे बहुत सी जैसे होते हैं ना समिति वगैरह वो इनको मेडल्स वगैरह देते हैं, तो इस वजह से ना ये सब ना बहुत तगड़े तगड़े वो लेके आते हैं और उनके सामने आके बजाते हैं, तो उस हिसाब से वो भी भाई इनको मेडल्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। सर सबसे हैवी जो कावड़ होती है ना भाई ये वाली कावड़ होती है, ये बहुत हैवी होती है भाई, इसको लाने के लिए ना भाई बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए। अब वो हिम्मत आती है भाई सीधा ऊपर से ही, क्योंकि भाई इजी नहीं है। आप जिम में चाहे कितनी डेडलिफ्ट मार रहे हो वो 2-3-4-5-10 सेकंड के लिए मार लोगे, लेकिन भाई ये रेगुलर मारनी पड़ती है भाई। 150-150, 200-200 किलो की लोग लेके आते हैं भाई, तो ये मतलब वो वाली डेडलिफ्ट नहीं है जो एक उठाया और रख दिया, ये भाई ये सीधा वहाँ से पावर आती है भाई। और यहाँ पे आ चुका है बाबूगढ़ कैंट, ये भी एरिया मेंटेन वैसे मेरठ की आर्मी ही करती है बाबूगढ़ कैंट को भी। तो यहाँ पे जब भी आप बाबूगढ़ आओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आपको साफ साफ दिख जाएगा मेंटेन बाय मेरठ कैंट, मतलब मेरठ आर्मी। सर हम लोग भाई अभी भाई रुके हुए यहाँ पे क्योंकि नितिन और को निकलना भाई यहाँ से इसके नीचे से, तो नितिन और का रास्ता इधर से निकल जाएगा। बाकी हम लोग भाई यहाँ पे रील बना रहे हैं, रील मास्टर मिस्टर नितिन कनौजिया, मिस्टर अमित चौहान और ये वो कहते हैं प्रो राइडर 500 बॉक्सर अंडरवेयर भाई, और यूपी 15 राइडर भी आज हमारे साथ हैं। तो भाई सब कह रहे हैं, फ़ोन किसका आ गया भाई? अभी आ रहा हूँ भाई, रास्ते में हूँ, 1 घंटा लगेगा। हाँ तो रास्ता बता सर, झंडा तो दिखा दो हमारा। ओहो भाई जय श्री राम, जय बजरंगबली जी, कैसे लग रहा है तुम्हें झंडे को उठा के, मजा आ रहा है? ठीक है भाई। यार ये आदमी ना बहुत खतरनाक है ना, पीछे नहीं देखा, यहाँ पे सब जगह देखो ये सब यहाँ देखो सब जगह पक्का लगा हुआ है, अरे नीचे गिर जाएगा यहाँ पे, नहीं जहाँ पे साले टूटा हुआ है ना वही लगे। तू बहुत गंदा आदमी भाई, तू भाई तू ये गलत कर रहा है भाई, सिस्टम जा रहे सिस्टम की वीडियो बनाता हूँ सिस्टम। वापसी भी आना है ना, तुम नीचे से यूटर्न लोगे ना, नीचे से यूटर्न लोगे ना। चलो ठीक है, चलो
सिस्टम हैंग कर दो, घर पहुंचो। चलो भाई सेफ राइड। चलो नीतीश, बाय बाय। गए नितिन और निकल गए भाई यहाँ से। अब हमारे को भाई यहाँ से भाई निकलना है, और अमित जी यहाँ से नोएडा के लिए जाएंगे, और मात्र आधा घंटा ज़्यादा नहीं लगेगा, बस फटाफट भाई पहुँचते हैं अपने घर के लिए। और भाई ब्लॉग लंबा होगा तो भाई देखना, लेकिन मज़ा ज़रूर आएगा भाई, इस बात की गारंटी है आज के ब्लॉग में। तो आज यार भाई मेरी बाइक को भाई पूरे 10,000 किलोमीटर हो जाएंगे, बाकी 992 हो चुकी है, और भाई 8 किलोमीटर और अभी तो भाई बचे हुए हैं 30 किलोमीटर। तो यार ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि आज मतलब ऐसी टाइम पे मेरे 10,000 किलोमीटर कंप्लीट हुए, बहुत बढ़िया लग रहा है इसके लिए भी। वैसे मैं सोचा था कि यार गॉड सिटी में ना घूमते घूमते कंप्लीट हो जाएंगे मेरे, लेकिन स्टिल यार एक अच्छी राइड पर अच्छी जगह पर भाई अच्छा काम करते हुए फिर बाइक के 10,000 किलोमीटर कम्प्लीट हुए हैं। बाकी यहाँ से भाई अराउंड 29 या 30 किलोमीटर से रखा है, तो कम्प्लीट कर रहे हैं निज़ामपुर। भाई कांवड़ी भाई इधर से भी आ रहे हैं, उधर से भी आ रहे हैं, हर जगह से आ रहे हैं। तो भाई बहुत बढ़िया भाई, बहुत पॉजिटिविटी रहती है भाई कांवड़ियों के टाइम पे ना, बहुत पॉजिटिविटी। एक होता है ना कि भाई आपको ना डर नहीं लगता भाई, आप किसी भी टाइम चलोगे ना कांवड़ के टाइम पर आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा भाई, बहुत बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी रहती है। सो यार 4 बार 9 आ चुका है, और बाकी यार 10,000 किलोमीटर्स आज कंप्लीट हो जाएंगे, बाकी बस थोड़ी सी देर में और भाई पूरा 10,000 आ जाएगा। तो मैं इस मोमेंट को भाई रिकॉर्ड करना चाहता था, और मेरे को याद भी रहा इस बारी, तो बढ़िया यार। अभी देखते 10,000 कब होता है, 4 9 हो रखे हैं भाई। 10,000 किलोमीटर्स यार, बहुत बढ़िया भाई, विदाउट एनी ब्रेक डाउन, विदाउट एनी भाई कुछ भी इशू भाई, बाइक ने बहुत साथ दिया, बहुत अच्छा लग रहा है भाई यहाँ पर पूरे 10,000 आने के बाद ना भाई, बहुत ज़बरदस्त अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बाइक है ड्यू यार। जो भी लोग लेना चाहे ना भाई लो, जो पावर है ना मतलब इस रेंज और इस सेगमेंट में इससे अच्छी पावर डिलीवरी भाई किसी बाइक की नहीं है, किसी भी बाइक की भाई। तो भाई जो लेना चाहे ले सकता है, रिकमेंडेड बाइक है भाई ये, तो भाई मतलब बेंचमार्क वाली बाइक है ये, हो गया एक 220 हो गई ना, ये दोनों ना बेंचमार्क वाली बाइक है भाई, इनसे ना टक्कर का मतलब उस सेगमेंट में कोई बीट नहीं कर सकता भाई इनको। सो यहाँ पे भाई कुछ जो है डाइवर्शन हो गया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा था, ट्रैफिक पूरा जाम पड़ा हुआ है भाई, पूरा फ्लाईओवर भरा पड़ा है। तो अभी यहाँ से अंदर ही अंदर भाई डायरेक्शन को बेस लेते हुए भाई चल रहे हैं, और भाई कहीं ना कहीं निकल ही जाएंगे। आके फ़ोन पता नहीं किसका रहा, और आज मैंने बहुत दिनों बाद भाई अपनी अमेज फिट वाली वॉच पहनी थी, तो आज वही यूज़ कर रहा हूँ। ये भी अच्छी वॉच है यार, गुड वॉच, मतलब अच्छे बैटरी बैकअप के साथ, लेकिन बस इसमें एक कमी है, ये ना मतलब मोशन ट्रैक बहुत तगड़े तरीके से, बहुत गंदे तरीके से करती है कि ना बाइक पे चल रहा हो ना पूरे टाइम भाई बैटरी इसकी यूज़ ही होती रहेगी, स्क्रीन ऑन रहेगी, इसको लगेगा कि भाई हम इसको इसमें टाइम देखना चाह रहे हैं। इधर जाम पड़ा देखना, जाम है ना इधर, चलो जाम भाई बहुत गंदा लग गया भाई, पता नहीं क्या सिस्टम हो रखा आगे, कावड़ की वजह से जाम है या फिर भाई कुछ और प्रॉब्लम है भाई, एक्सीडेंट वगैरह हो रखा है, कुछ नहीं पता चल रहा अभी। तो यही वाली हाईवे ले लिया अंदर से भाई, अंदर तो और जाम लग गया, उनका अंदर का क्राउड प्लस यार हाईवे वाला क्राउड, तो दोनों जगह से और भाई बहुत ज़्यादा गंदा जाम लग रखा है। तो चल रहे हैं धीरे धीरे। तो भाई यार यहाँ पे ना इतना तगड़ा ऑफ रोड करना पड़ रहा है ना भाई ऑफ रोड क्या मतलब अलग ही लेवल का। ओहो बाइक ही बंद हो गई यार, बहुत अलग ही चीज़ हो रखी है भाई यहाँ पे। तो अमित जी आगे चल रहा इधर, बाकी धीरे धीरे निकल रहा है भाई। तो आज यार भाई मेरठ एक्सप्रेस वे भी भाई पूरा भाई कांवड़ियों के लिए कर दिया प्रॉपर एकदम भाई, इधर बढ़िया तरीके से भाई सिस्टम चल रखा है ना,
बढ़िया एकदम। और भाई डाक कावड़े भाई ऐसे भाग रहे हैं इधर इस टाइम पे, क्योंकि ये लास्ट आज जल चढ़ाना है, तो भाई डाक कावड़े भाई आज लगी पड़ी हैं तबीयत से, क्योंकि डाक कावड़े ज़्यादा से ज़्यादा ना भाई 9 या 10 घंटे का टाइम लेती हैं वहाँ से लेके दिल्ली तक का, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर ही उनको पहुँचना पड़ता है। तो भाई बहुत तबीयत तरीके से भाई लगे पड़े हैं, और भाई हम भी पहुँचने वाले हैं, ट्रैफिक से बड़ी मुश्किल से छूटे हैं, ट्रैफिक बहुत मतलब बंद कर रखा है यहाँ वाला डाइवर्जन, क्योंकि इधर गाड़ी आने नहीं दे रहे हैं इस साइड पर, तो इस वजह से। बाकी भाई बढ़िया सिस्टम हो रखा है, बड़ा बढ़िया मज़ा आ रहा है रास्ता। सो यार भाई मौसम भी भाई बहुत ज़बरदस्त हो रखा है यहाँ पे भी, तो वो एक वो नहीं है एक लाइन है कि देख नज़ारा मौसम का ये मन को कितना भाता है, जब सावन मेरे महादेव को जल चढ़ाने आता है। मतलब सावन में ना मतलब खुद ही मतलब सब चीज़ ऑटोमेटिकली जहाँ जहाँ जल चढ़ भी नहीं रहा हो वहाँ वहाँ भी भाई जल चढ़ता है। तो क्रॉसिंग में अब निकलते हैं, अब अमित जी को भी अलविदा करेंगे और फिर हम भी अपने घर के लिए निकलते हैं। तो अमित जी का भाई अमित जी को उधर से छोड़ दिया, अमित जी चले गए उधर को, और बाकी हम मैं निकल गया भाई अपने घर के लिए। और यहाँ पे भाई पानी देखो भाई कितना भरा हुआ, भाई बारिश तगड़ी पड़ी है मेरे को लग रहा है यहाँ पे भी थोड़ी देर पहले। पानी में चलाते हुए ना ऐसा डर लगता है कभी एकदम से गड्ढा ना आ जाए। बाकी मंदिर अपने सोसाइटी में ही है तो वहीं पे, तो अपनी सोसाइटी में पहुंच गए, नीलम विलम को फ़ोन कर दिया वो आ रहे हैं, फिर उसके बाद भाई जल चढ़ाते हैं, हमारा मंदिर भाई है सोसाइटी का। सो हम लोगों ने भाई जल चढ़ा दिया, बाकी मंदिर में क्या है वीडियो बनाया। और ये देखो शैतान बच्चा, तुम उससे जाओगे ना, हेलमेट ले जाओगी, हेलमेट ले जाओ, हाँ चला पहना। तो बाकी मैं होप करता हूँ भाई आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाकी मेरी लाइफ का ना भाई अभी तक का मतलब मैंने जितने व्लॉग्स डाले हैं उसमें से भाई सबसे बड़ा व्लॉग है भाई ये, मतलब ना मेरे 4 व्लॉग इसके मतलब 4 नहीं तो 3 तो व्लॉग इसके मतलब बराबर होते हैं। बाकी ऐसा नहीं है मेरे को वीडियो को एडिट करते हुए मज़ा नहीं आया, वीडियो को एडिट करते हुए बहुत मज़ा आया, क्योंकि कंटेंट ऐसा था मेरे को खुद अच्छा लगा मतलब बनाते हुए ना। बाकी आपको कैसा लगा जो लोग भाई देख रहे हैं भाई वीडियो में कमेंट में भाई हर हर महादेव भाई ज़रूर लिख के आना। बाकी आप लोग भाई ज़रूर बताना कि कैसा व्लॉग लगा, पूरा देखना मज़ा ज़रूर आएगा भाई। बाकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके कर दो, और मिलते किसी नई वीडियो में, तब तक स्वस्थ मस्त खाते पीते रहो भाई, ज़िंदगी में मज़े करते रहो। हर हर महादेव, बाय बाय।